हेलो दोस्तों, आप सभी दोस्तों का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल बंसल स्टडी अ गेट टू लर्निंग में। तो दोस्तों, आपकी जो क्लासेज है स्टार्ट कर दी गई हैं, आपकी क्लासेज हैं वो आपकी 14 अप्रैल से सी टेट का जो एग्ज़ाम आने वाला है आपका जुलाई में, उसके लिए आपकी क्लासेज स्टार्ट कर दी गई हैं। और इन क्लासेज में आपको बताया जाएगा, मैथ का फुल कोर्स कराया जाएगा, जिसमें आपको प्रीवियस क्वेश्चंस आपको कराए जाएंगे। हम शुरुआत करेंगे जो लास्ट ईयर में यानी पिछले वर्षों में जो एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आ चुके हैं, उसके मैथ के क्वेश्चंस हैं, उसका सॉल्यूशन हम आपको इस क्लासेज में यानी वीडियो में आपको करवाएंगे। और आपकी क्लासेज हैं वो आपकी कब से स्टार्ट होने वाली हैं, 14 अप्रैल से, है ना। इसका सिलेबस मैंने पहले बता दिया, आपको देख लिया होगा कि जो नोटिफिकेशन था वो मैंने आपको दे दिया है। तो चलिए शुरुआत करते हैं क्लास की। इसमें आज हम पढ़ेंगे 16 सितंबर का एक प्रैक्टिस सेट है, 16 सितंबर 2016 का एक प्रीवियस पेपर है, है ना। क्या है? प्रीवियस पेपर है जिसका आपको अभी सॉल्यूशन कराया जाएगा। ये वही क्वेश्चंस होते हैं जो एग्जाम में मोस्टली रिफ्यूट होते रहते हैं, है ना। ज़्यादातर क्वेश्चन एग्जाम में बनते रहते हैं, उन्हीं क्वेश्चन का आपको जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनको कराया जाएगा आपको। चलिए शुरुआत करते हैं। पहले क्वेश्चन की बात करें, जैसा कि आपके डिस्प्ले के सामने दे रखा है, डिस्प्ले के सामने आपके क्वेश्चन दे रखा होगा, आप देख लीजिए। मैं क्वेश्चन करता हूँ कि क्या क्वेश्चन दिया हुआ है। इसमें जो नंबरिंग की गई है वो 43 से की गई है ना, जो सेट में आए हुए हैं उनसे हम क्वेश्चन कराते हैं आपको। इसमें क्वेश्चन नंबर दिया हुआ है 43 वाला, राइट। तो 43 वाला क्वेश्चन क्या दिया हुआ हमारे सेट में, वो हम लिख बता देते हैं आपको। ये दिया हुआ है 29,503 के पाँच, अच्छा ये दिया हुआ है 29,503 में पाँच का स्थानीय मान। अब पाँच का स्थानीय मान कितना हो जाएगा? 500 हो जाएगा, क्योंकि पाँच के बाद कितनी संख्या है? एक, दो, उतनी ही जीरो लगाते हैं। जिस संख्या का स्थानीय मान पूछा जाता है, यानी कि इसको बोलते हैं प्लेस वैल्यू। क्या बोलते हैं? प्लेस वैल्यू बोलते हैं, ठीक है। अब बोला गया है 3,271 रुपये में सात का इस अंकित मान, अंकित बोला है ना, हाँ अंकित मान मतलब फेस वैल्यू। फेस वैल्यू क्या होती है? जिसका अंकित मान पूछा होता है वही संख्या उसकी फेस वैल्यू कहलाती है। अब पूछा गया है दोनों का अंतर क्या होगा, अंतर क्या करेंगे, कितना होगा? 493। ये क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है ना क्वेश्चन? आराम से आपका आंसर निकल कर आ जाएगा। इसी प्रकार से आगे हम क्वेश्चन पढ़ते हैं नेक्स्ट वाला, कि मैथ पे जो क्वेश्चन आए हुए एग्जाम में वो क्या दे रखा है। क्वेश्चन नंबर बात करते हैं 44 के बारे में। अच्छे अच्छे तरीके से क्वेश्चन कराए जाएंगे आपको, शॉर्ट तरीके से। इसे बोला गया है कि 30,028, और क्वेश्चन आप देख लीजिए डिस्प्ले पर दे रखा है, उसका दे रखा है 28 इकाई, उसके बाद 28,000, और बोला गया है डेड डेड डेस और दहाई। तो बोला गया है कि इस रिक्त स्थान में यहाँ पर क्या आएगा। तो मान लीजिए 28 इकाई है, तो 28 इंटू एक हो गया, 28,000 है तो 1,000 का मल्टीपल करो, यहाँ पे दहाई है तो एक्स इंटू दहाई का क्या होता है? 10 होता है, यही तो होता है दहाई का, हाँ ठीक है। अब ये कितना है? 30,028, ये दिया हुआ है, ये कितना हो गया? 28 हो गया, प्लस ये कितना हो गया? 28,000 प्लस 10x हो गया। इन दोनों को यदि जोड़ देंगे तो कितना होगा? 28,028 हो गया। 28,028 को उधर लेके आओ तो 30,028 में से 28,028 को यदि आप घटाओगे कितना बचेगा, ठीक है, ये कितना बचा? 10 में से 8 गया तो 2 बचेगा, यहाँ पे इतना आ गया, बराबर कितना दिया है? 10x। तो एक्स एक्स काटेंगे कितना आएगा? एक्स इक्वल टू आपका कितना आएगा? 200 आएगा। कितना आएगा भाई? 200 निकल कर आएगा। तो यानी पता पड़ेगा रिक्त स्थान के यहाँ पे हमारा क्या आएगा? 200 निकल कर आएगा, ठीक है। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नेक्स्ट वाला क्या दिया हुआ है। इसी प्रकार सारे क्वेश्चंस पढ़ेंगे हम के क्रम में, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर की बात करें, क्वेश्चन नंबर दे रखा है 45, ठीक है। क्या दे रखा है? 45 दे रखा है। और चलते हैं आगे की तरफ, क्या दिया हुआ है? जब 80,808 में 108 से भाग देने पर, अब देख लो भाग, अब इसमें हम 108 से भाग लगाएंगे पहले, ठीक है। ये काटेंगे 864 हो जाएगा, 8 बार 7 बार देते हैं, फिर 756 हो गया, 8 में 6 गया 2, 10 में 5 गया तो 5, और ये 0 बचेगा, यहाँ पे हमारा क्या आ गया? 0 आ गया।
अब करेंगे चार बार, पांच बार करते हैं तो 540 होता है, वो ज़्यादा हो जाएगा। अब चार बार करेंगे कितना हो गया, 8 चौक 32, 432 हो गया, 10 में 2 गया, 8 बचा, 11 से 8 3 गया तो 8 बचेगा, ये 0 बच जाएगा, यहाँ पे क्या आएगा 8 आ जाएगा, 8 आ जाएगा, इसका हम लगाएंगे 8 बार, 8 64 हो गया, कितना बचा हमारे पास, ये बचेगा हमारे पास 4, ये 2, मतलब ये हमारा रिमाइंडर निकल कर आ गया। रिमाइंडर की बात करें तो सेस पल निकल कर आ गया। अब आगे क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, 90909, इसका क्वेश्चन आपके साथ डिस्प्ले के सामने दिया हुआ है, आप देख सकते हैं, इसमें भाग लगाएंगे तो कितने बार जाएगा, 8 बार लगाते हैं, 872 हो गया, ठीक है, ये कितना बचा आपका 7, 10 में से 7 गया तो 3 बचा, ठीक है, यहाँ 0 आ गया। अब बात करें 3 बार देते हैं, 3 बार लगा के देखते हैं कितना आ गया, 327, क्योंकि यहाँ पे बचा था हमारे पास, 10 में 7 गया 3, 6 में 2 गया 4 बचेगा, यहाँ कितना आ गया 9 आ गया, कितना आ गया 9 आ गया। अब करेंगे क्या, 4 बार, 4 भाग लगाएंगे इस बार तो कितना होगा 436, यानी कि ये 3 रिमाइंडर बचा। अब क्वेश्चन पढ़ते हैं क्या दे रखा था, बोला गया जब 80,808 को 108 से भाग देने पर प्राप्त शेषफल को 90,909 को 109 से भाग देने प्राप्त शेषफल से भाग देने पर, यानी कि इसके शेषफल में इस शेषफल से भाग देने पर क्या निकल कर आएगा, वो क्या आएगा आपका 8 निकल कर आएगा, ऑप्शन नंबर आपका ए दे रखा है, दे रखा है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आपको डिस्प्ले के सामने दिया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपके डिस्प्ले के सामने, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, और सभी बच्चों से उम्मीद करता हूँ सबको क्लास पसंद आ रही होगी, यदि क्लास पसंद है वीडियो को लाइक करें, और जो भी दो चैनल पर नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें चैनल को और बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे हमारे चैनल का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे, ठीक है, कंटिन्यू करते हैं क्वेश्चन को। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 46 के बारे में, 46 क्या दिया हुआ है, यदि 603 * 28 बराबर 63 * 4 * रिक्त स्थान दिया हुआ, रिक्त स्थान दिया हुआ है यहाँ पे कि पता नहीं क्या आएगा, और ऑप्शन चेक कर लेते हैं, 63 वाला पहला दिया 63, दूसरा दिया हुआ है कितना 67, अब देखो तीसरा दिया हुआ है कितना 21, और डी दिया कितना 28। अब इसमें ऑप्शन का आइडिया लगाएंगे, आप ये देखो इनका इकाई अंक 8 दिया कितना होता है 24, यानी इकाई अंक कितना आ रहा है 4, अब चेक करो 4 कैसे आएगा, 4 * 3 = 12, यदि हम 63 रखते हैं यहाँ पे तो 3 आएगा, 3 * 4 = 12, 12 * 3 = 36, इकाई अंक 6 आएगा, मतलब ये ऑप्शन कट गया 63 नहीं आएगा, 67 रखते हैं तो इकाई अंक कितना आना चाहिए 4 आना चाहिए, तो 6 * 7 = 42, 42 दिया कितना हो गया 84, ठीक है, देखो 3 * 4 = 12, 12 * 7 कितना हो गया 84, इकाई अंक कितना आ रहा है 4 आ रहा है, मिल रहा है। अब आगे संख्या चेक कर लेते हैं, हो सकता है बी सी और डी निकल आए, ठीक है, अभी ये तो है हमारे पास, है ना। अब 21 देखते हैं, 1 * 1 = 4, 4 * 3 = 12, 2 आ रहा है, मतलब ये नहीं होगा, 8 करेंगे यहाँ पे 28, तो 8 * 4 = 32, 32 * 3 = 96 होता है 6 आ रहा है, मतलब ऑप्शन नंबर बी आपका हो जाएगा, ऐसे आपको ऑप्शन से क्वेश्चन कर लोगे आराम से, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं क्या दिया हुआ है, अब बात करें तो क्वेश्चन नंबर 47 के बारे में, बड़े ही अच्छे क्वेश्चन है जो एग्जाम में ज़्यादातर बनते रहते हैं। यदि यह हुआ है कि 200 और 400 के बीच में 200 और 400 के बीच में 30, 45 और 60 क्या दिया, 30, 45 और 60 दिया हुआ है, ठीक है। अब देखो भाई क्या करना है आगे, 30, 45, 60 का सबसे बड़ा सार्वगुणज, इसके एलसीएम निकालेंगे, एलसीएम की बात करें तो कितना आएगा 180 निकल कर आएगा, 180 निकल कर आएगा, क्योंकि आप ऐसे एलसीएम निकाल सकते हो, इस प्रकार से निकाल सकते हो ना गोलखंड विधि से, आपको ऐसे एलसीएम में निकालना है, करना क्या है आपको, एलसीएम कैसे निकालते हैं जल्दी से, 30, 45, 60 से बड़ी एक सही संख्या सोचो जिसमें इन तीनों का डिवाइड जा रहा हो, भाई 60 से बड़ी संख्या है, इसके मल्टीपल 90 हो सकते हैं, 90 में इसका भाग जा रहा है, इसका नहीं जा रहा, 90 का दोगुना देखो 180 में देखो, ये 3 टाइम, ये 4 टाइम, ये 6 टाइम जा रहा है ना, ठीक है। अब उसने कहा है कि ये संख्या 200 और 400 के बीच होनी चाहिए, लेकिन ये क्या है 200 से छोटी है, इसका डबल लो, मल्टीपल कितना होगा 360। अब देखो इन दोनों के बीच में है, मतलब इन संख्याओं का एलसीएम निकालना पड़ेगा, कितना आएगा 360, हमने एलसीएम निकाल लिया, ठीक है। अब आगे कहा है उसने, क्या कहा है कि और भाग देना है बाद में, और देखा है कि 15, 24 और 45 का सबसे बड़ा सार्वगुणनखंड, सार्वगुणनखंड क्या होता है, एचसीएफ, तीनों का एचसीएफ निकालोगे, ऐसी संख्या देखो
तीनों का भाग चला जाए। अब पंद्रह का निकालेंगे, पंद्रह क्या होते हैं, पाँच इंटू तीन होते हैं। अब चौबीस का निकालोगे, तीन इंटू आठ, और पैंतालीस का करोगे कितना आएगा, तीन इंटू पंद्रह। अब देखो तीनों का कॉमन आ रहा है तीन, यानी कि इनका जो एच सी एफ है वो कितना आएगा, तीन। अब वो कह रहा है इसके जो एल सी एम आया है इसका इसमें क्या करना है, भाग लगाना है। क्वेश्चन में कहा गया था 200-400 के बीच में 30-35-60 का सबसे छोटा सारा गुणा, सबसे छोटा क्या होता है, एल सी एम है ना, एल सी एम होता है सबसे छोटा। सबसे बड़ा की बात करें तो क्या होता है, एच सी एफ। तो गुणा ये भागित 15-24-45 सबसे बड़ा सारा गुणा बराबर है, यानी कि 360 में यदि तीन का भाग लगाएंगे तो कितना आएगा आपके पास, 120 आएगा, जो कि ऑप्शन दे रखा है ए वाला क्वेश्चन दे रखा है 120। ठीक है, आपको समझ में आ गया वो क्वेश्चन। अब आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया हुआ है, ठीक है ना, बड़े प्यार समझेंगे आराम से क्या दिया हुआ क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर की बात करें 48 में दे रखा है, आपके डिस्प्ले के सामने क्वेश्चन दे रखा है, आप देख सकते हैं। एक संख्या 100 के आधे से छोटी है, एक संख्या जो है 100 के आधे से छोटी है, यानी कि 100 का आधा क्या होता है, 50। अब संख्या क्या है, 50 से छोटी है, 50 से कैसी है, छोटी है, मतलब ऐसे है। और बोला गया है और चार दहाई पांच दहाई के बीच में, चार दहाई पांच दहाई, पांच दहाई तो ये हो गया और चार दहाई क्या होता है, 100। मतलब अब ये कराए 40 से बड़ी होगी 50 छोटी होगी, क्योंकि उसने कहा चार एक चार दहाई पांच दहाई के बीच, पांच दहाई मतलब 50, चार दहाई क्या होता है 40, मतलब इस संख्या के बीच में आएगी। अब एक चीज देखो, उसने ये भी कहा है आगे कि इकाई का अंक दहाई के अंक से एक कम है, यानी कि इकाई का अंक दो अंकों की संख्या होगी। अब इकाई का जो अंक है दहाई के अंक से दो कम है। अब देखो 40 से ऊपर संख्या देखो, इकाई का अंक दहाई का अंक तो चार ही रहेगा, और यहाँ पर कौन सा आएगा, अब देखो तीन रख के देखते हैं। अब इकाई का अंक दहाई से तीन एक छोटा है ना, यानी कि ये संख्या है इससे एक छोटी है, तो चार और तीन परफेक्ट है ना। अब दोनों संख्या पूछा है, मल्टीपल पूछा है, चाती कितना होता है 12, ये तो पूछा मल्टीपल, यानी ऑप्शन नंबर आपको सी यानी कि ऑप्शन नंबर थर्ड दे रखा है, ठीक है। और इनका योगफल क्या रखा है, 7, और 4 और 3 कितना होता है, 7, 4 और 3 कितना होता है, 7। ये वेरीफाई हो गया, मतलब क्लियर है हमारा आंसर क्या आएगा, 12 निकल कर आएगा, ठीक है। अब क्या आएगा आंसर निकल कर, 12 आपका आंसर निकल कर आएगा दोस्तों, ठीक है। चल गया फिर क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट वाला क्या दिया हुआ है। अब क्वेश्चन में देखते हैं 49 क्या दिया हुआ है। 49 में किसी भी दिन 360 विद्यार्थी, कितने 360 स्टूडेंट है टोटल, दो तिहाई क्या लड़कियां हैं। जब इसमें दो तिहाई निकालेंगे, 360 का दो तिहाई की बात करें, ऐसे होता है दो तिहाई, तीन से कट गया ये 120 दूनी 240, यानी 240 जो हमारी कितनी है गर्ल्स यानी कि लड़कियां हैं, और शेष लड़कियाँ, जब 240 लड़कियां हैं 360 में 240 गया कितना बचेगा हमारे पास, यानी बॉयज कितना आ गया 120। अब उसने क्या कहा, क्वेश्चन पढ़ो आगे, कि लड़कों की संख्या का तीन चौथाई खिलाड़ी है, यानी लड़कों की संख्या का तीन चौथाई क्या है, खिलाड़ी है, यानी कि खिलाड़ी कितने हैं 90। अब उसने क्या पूछा है कि जो खिलाड़ी नहीं है उन लड़कों की संख्या क्या होगी, जो खिलाड़ी नहीं है 120 तो लड़के थे जिसमें से 90 खिलाड़ी हैं, 30 खिलाड़ी ऐसे होंगे, 30 लड़के ऐसे होंगे जो खिलाड़ी नहीं है, क्या नहीं है, खिलाड़ी नहीं है, 30 कैंडिडेट ऐसे होंगे, ठीक है। आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको डिस्प्ले के सामने दिया हुआ है, आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। अब आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 50 की बात करते हैं, क्या दिया हुआ है, हरीश ने एक स्कूटर 49,553 में खरीदा, 49,553 में खरीदा था, और 8,076 का नगद भुगतान दिया, तो शेष रकम को, ठीक है, उसने इतने का स्कूटर खरीदा, इतने का स्कूटर उसने क्या किया, खरीदा था भाई, ठीक है, आराम समझेंगे। उसने क्या किया, 8,076 रुपये उसने क्या किया, दे दिए, नगद दे दिए, तो कितना पेमेंट बचा, 13 में 6 गया 7 बचा, 14 में 7 गया 7 बचा, ये 4 बचेगा, 1 और 41, यानी 41,477 रुपये उस शेष बचे। उसने क्या कहा, मैं ये नगद नहीं कर पाऊंगा, क्या करना है, उसे देना 37 बराबर किस्तों में देना है, तो इस पेमेंट को यदि हम 37 में बांटेंगे, इसमें 37 में बांटेंगे, 37 किस्तों में तो भाग लगाना पड़ेगा, 37×37 होता है 4 बचा 4 हो गया 37×37। ऑप्शन चेक कर लेते हैं, ऑप्शन देखते हैं क्या कर रखा, देखो ऑप्शन की बात करें, पहला ऑप्शन 1201, दूसरा ऑप्शन 1339, तीसरा ऑप्शन 1021, चौथा ऑप्शन
एक एक टू वन। अब एक चीज देख लो, यहाँ पे एक एक टू वन एक एक आ रहा है, किसी को नहीं आ रहा है, तो आप चाहो तो डायरेक्टली ऑप्शन चेक कर सकते हो, नहीं तो हम आगे कर लेते हैं। कितना बचेगा हमारे पास, सात बचेगा, ठीक है। सैंतीस दूनी कितना हो गया, चौहत्तर हो गया, तीन बचा और सैंतीस एक सैंतीस कर दिया हमने, कितना बचा 1121 यानी ऑप्शन नंबर फोर। आपको यहाँ तक देख गया किसी में नहीं मिल रहा है, ऑप्शन टिक कर दो, आगे करने की आवश्यकता नहीं है आपको, ठीक है। आगे करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल भी कोई भी आवश्यकता नहीं आगे करने की, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं कि आगे वाला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। हाँ, वो क्वेश्चन नंबर 51 की वो बात करता है, वो कहता है कि एक रेलगाड़ी हैदराबाद शुक्रवार को सुबह शुक्रवार को समय 13:15 पर चली। 13:15 का जो मतलब होता है वो है 1:15, कितने 1:15 यानी कि दोपहर में चली, 1:15 पर चली। अब बोला गया है कब चली ये, शुक्रवार को, सो ध्यान रखना है शुक्रवार को चली ये, ठीक है। उसके बाद हमें क्या करना है, और शनिवार को बेंगलुरु, यानी कि शनिवार को पहुंची कितने बजे, शुक्रवार शनिवार आ गया ना, कितने बजे पहुंची हमारे पास, और समय 7:30 पर पहुंची, 7:30 पर पहुंची। अब एक चीज़ देखो, ये चली सुबह यानी कि दोपहर में चली, यहाँ से दोपहर से रात तक कितने घंटे हो गए, 12 घंटे हो गए, यानी कि सुबह दोपहर चली ये यहाँ पे, और रात तक, रात 1:15 बज गया होगा, रात में हो तो भाई ये पीएम पे चली और 1:15 आ गया, फिर एएम पे आ गया, मतलब यहाँ से कितने हो गए 12 घंटे हमारे पास कंप्लीट हो चुके हैं। उसके बाद में 7:30 तक चली, कितना 7:30 तक। अब 1:12 से 7:30 तक कितने घंटे हो जाएंगे, कितने घंटे हो जाएंगे, ये 15 मिनट, यानी 7:30 में से 1:15 जब घटाओगे कितना आ गया 15, और ये 6 बचेगा, ठीक है। और ऑप्शन चेक कर लेते हैं क्या कह रखा है, ठीक है। अब देखो 12 घंटे ये हो गए और 6 घंटे ये कितना हो गया 18 घंटे और ये 15 मिनट, यानी 18 घंटे 15 मिनट का समय उसे लगा यात्रा करने में पूरा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन में कोई भी क्वेश्चन में दिक्कत हो आप लोग कमेंट कर सकते हो, आपको रिप्लाई किया जाएगा कमेंट के अंदर ही, है ना, कमेंट के अंदर आपको रिप्लाई किया जाएगा, कभी भी आप कर सकते हो कमेंट, ठीक है। अब बात करते हैं क्वेश्चन में 52 के बारे में, क्या दिया 52, 15 दिनों में मिनटों की संख्या निम्न किसके बराबर होगी, 15 दिन में, यानी कि आप पहला काम ये करो, एक दिन में कितनी मिनट होती है, एक दिन में क्या होते हैं 24 घंटे होते हैं, उसको चेंज करो मिनट में, मिनट में यदि चेंज करेंगे तो कितना होगा 60 दिया हुआ है, ठीक है। इसमें दिया है 15 दिन में मिनटों की संख्या क्या होगी, ठीक है, मिनट हो गई। अब देखो कितने घंटे में, 15 दिनों में, ये मिनट हो गई, अब करना घंटे में चेंज करना है, ऐसे घंटे में चेंज करना है तो 60 का भाग लगाएंगे इसमें, तो 15 चौक 60 होता है, 4 हो गया तो 6 हो गया, 15 30 हो, कितना हो गया 36, ये 36 मिनट हो गए, कितना हो गया 6 आवर्स हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे 6 घंटे आपके इसमें हो जाएंगे आपके, क्लियर है ना, इतना क्लियर है ना आपको, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं, 53 वाला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। अब क्या दिया 53, अब देखा गया है कि संतरे के 15 लीटर इसमें दिया हुआ है, संतरे का जो पार्ट है कितना दिया हुआ है 15 लीटर 286 ml, और कैरेट का दिया हुआ है कितना, कैरेट का दिया हुआ है 19 लीटर 714, इतना था इसमें, तो 6 4 10 हो गया, 8 9 10 7 9 10 9 5 14 15 3, यानी कि 35 लीटर हो गया टोटल, है ना 35 लीटर। इसमें क्या कर रहा है, वो यूज कर लेता है 12.750, यानी कि इसमें से वो 12 लीटर और 750 ml यूज कर लेता है, कितना होता है 250। अब कितना बचा यहाँ पे, 4 में 2 गया 2 बचा और ये कितना हो गया, यानी 22 250 होता। अब इसको क्या करता है, वो बोतलों में भरवाता है, कितना इसको वो क्या करता है, बोतलों में भरवा देता है, तो 22.250 को कितनी जूस मानना है, एक बोतल में जूस आता है 0.250, पॉइंट से पॉइंट कट गया, इससे ही कट जाएगा। अब बात करें 25 अट्ठे 200, अब 25 में 225, यानी 89 बोतलों में ये जूस भर जाएगा, कितने 89 बोतलों में ये जूस भर जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है,
जितने भी मैथ के क्वेश्चन है वो आपको कराए जाएंगे। क्वेश्चन नंबर की बात करें 54 वाला, क्या दिया 54? इसमें दिया हुआ है खरबूजा, दिया हुआ है खरबूजे का रेट है वो 18.50 है ना। डिस्क्रिप्शन में क्वेश्चन दिया होगा, खरबूजे की बात करें इसकी रेट है 18.50, लेकिन उसने कितना खरीदा है 4 × 1/2, 2 × 8 और 1 × 9/2, 9/2 किलोग्राम खरीदा उसने, 2 से काट लो इसे, पहले पॉइंट आएंगे 100 आ गया, इससे ये कट गया, ठीक है 2 से कटेगा नहीं कटेगा ना 2 से, ये ठीक है दशमलव है 5 से 2 बार और 5 × 3 = 15, 3 × 5 = और 5 × 7 = 35, इतना हो गया, कितना काटेंगे इसमें 9 × 7 = 63, 9 × 3 = 27, 27 × 6 कितना हो गया 33/4, 4 से काटो इसे 4 × 8 = 32, और कितना बचा 1 × 4 = 12 और 4 × 2 = 8, 4 × 5 = 20, यानी 1 किलो कुल इतने रुपए देने पड़ेंगे। और दूसरी की बात करता है चेरी की, वो 72 रुपये पर के जी है हिसाब से जो भी दिया है, प्रति किलोग्राम दिया हुआ है, और चेरी खरीदता है 1.20 किलोग्राम ये दिया है, इतना दिया हुआ है। अब इसका मल्टीपल करेंगे, कितना का मल्टीपल इसमें करेंगे तो 00 यहाँ लिख देते हैं, 00 तो है 12 × 2 = 24 हो गया, 2 × 12 = 84, 86 रुपये हो गया, 3 संख्या पॉइंट लगा दो 86.400 आ जाएगा। इसकी बात करें नेक्स्ट वाला पार्ट क्या है, अंगूर की बात करें, किसकी अंगूर की बात करें तो दिया हुआ है 120.60, अंगूर कितने खरीदे हैं उसने 250 ग्राम खरीदे हैं, कितना 250 ग्राम खरीदे हैं इसने, तो पॉइंट आया इतना हो गया, ठीक है अब काट लेते हैं इसे 2 × 0 = 1, 2 = 1, 1 कट गया, अब 25 से कट गया कितने बार 25 से कटेगा 5 × 6 = 40 हो गया, अब कट जाएगा 4 से कट जाएगा, ये देख लेते हैं कैलकुलेशन बड़ी हो गई, 2 × 20 = 20 और 2 × 6 = 6, 0 × 2 = 6 हो गया, 2 से काटो इसे 2 से काटेंगे 20 से काटो इसे 20 × 3 = 60 डिवाइड जाएगा नहीं 0 हो गया, और अब कितना हो गया 30 × 20 = 20 और 20 × 5 = 100 30.15 हो गया। अब आगे एक पॉइंट और दिया हुआ सेब की बात करें, किसकी सेब की बात करें तो यहीं लिख देते हैं 16 साइड में, चलो यहीं लिख देते हैं, नीचे क्वेश्चन आ जाएगा और दिख रहा होगा आपको, ठीक है अब वो कहता है कि सेब की बात करें 78.40 के हिसाब से खरीदता है, कितने से खरीदता है 1 × 3/4, 4 × 4 = 7/4 खरीद लेता है, 4 से काट देखते हैं कट जाएगा नहीं, 4 × 4 और 4 × 9 = 36, 4 × 6 = 24 हो गया, 0.0 हो गया, और जो मल्टीपल कर देंगे 0, 7 × 6 = 42, 4, 7 × 9 = 63, 4, 4 = 67, 6, 7, 7 × 6 = 13 हो गया, कितना हो गया 137.20। अब उसने कितने रुपये दिया 5, 5 = 10, 50 और 3, 7 = 2, 9 + 1 = 10, 36, 9 + 1 = 17 हो गया, 8 × 16, 16 × 6 = 22, 22 × 1 = 23, 1 × 1 = 2, यानी 237 रुपये उसने क्या किया सामान खरीदा 237 रुपये का, और कितने रुपये दिए 500 रुपये उसने दिए उसे, तो क्या होगा 500 रुपये में से इसको घटाएंगे 237 को, कितना बचेगा 3, 9 × 3 = 6, 4 × 2 = 263 रुपये दिया है कहीं क्या, अच्छा 237, एक बार और चेक कर लेते हैं क्या दिया हुआ है, अच्छा 2 था यहाँ पे, 337 होगा है ना, 337 होगा, कितना हो जाएगा यहाँ पे 163 आंसर निकल कर आएगा, कितना आएगा 163 आपका आंसर निकल कर आ जाएगा, ठीक है। अब आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं, एक दो क्वेश्चन हो रहे हैं इस सेट में, वो भी हम आपको करवा देते हैं अभी, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं क्या दिया हुआ है, चलिए साबुन की टिकिया का आकार 7×5 और एक साबुन की टिकिया है, और क्वेश्चन दिख रहा होगा आपको डिस्प्ले पे 7 cm, 5 cm, 2.5 cm, दो टिकियों में जिनकी आंतरिक माप 56 cm, क्वेश्चन नंबर है 56 सेंटीमीटर और आगे दिया हुआ 0.4 meter एंड 0.25 meter, अब इसमें क्या करोगे भाग लगा देंगे किसका 7 cm, 5 cm और 2.5 cm, क्यों लगाएंगे क्योंकि एक प्रकार का मतलब जिसमें रखे आने हैं वो इसका वॉल्यूम निकल कर आ जाएगा, तो इसका भाग लगाएंगे तो नंबर ऑफ
वो निकल कर आया, क्या पूछा तुम्हें, पैकेट निकल कर आएगा। तो ये कितना दिया है, 2.5 सेंटीमीटर, चेंज करो सेंटीमीटर मीटर में चेंज करेंगे और सेंटीमीटर में, तो क्या होगा इधर 100 आ जाएगा, इसका कितना हो गया सेंटीमीटर, इसको चेंज करेंगे तो कितना आएगा 100 सेंटीमीटर आ जाएगा, मीटर आ जाएगा ना, सेंटीमीटर हो गया। अब बात करेंगे इसको काटेंगे, अब वो कट जाएगा ये, या फिर ऐसा कर लेते हैं पॉइंट से पॉइंट कट गया, ठीक है। अब बात करेंगे, और पॉइंट से पॉइंट हट गया, 100 आ गया, 100 से ये 100 कट गया, 25 से 25 कट गया, 7 से 8 बार, और 2 से कट गया ये 20 बार, 20 सटे कितना होता है 160। अब उसमें पूछा गया है 160 दिया हुआ है, कुछ और भी बताया गया, 4 और बचा है ना, 4 और बचा है, सोचो 640 हो गया। अब ये एक बर्तन की बात कर रहा है, उसने कहा है दो पेटियां हैं, दो पेटियों के मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आएगा 1280 आपका आंसर निकल कर आ जाएगा, कितना आएगा 1280 आपका आंसर निकल कर आ जाएगा। अच्छा अच्छा क्वेश्चन है, ये एग्जाम बनते रहते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। अब देखो आगे वाला क्वेश्चन क्या है, एक आयत की लंबाई चौड़ाई की 3 गुनी है, एक आयत की लंबाई, एक आयत हमारे पास, इसकी लंबाई चौड़ाई कितनी है 2 गुनी है, मतलब ये x है तो कितनी होगी ये 2x, तो 3 गुनी कह रहा है तो 3x कर दो इसे। अब आगे कहा गया है इसमें, इसकी चौड़ाई एक वर्ग की भुजा का आधा है, इसकी जो चौड़ाई है एक वर्ग है हमारे पास, एक इसकी भुजा कितनी है x है, या 2x मान लो इसकी भुजा है ना, इसकी कितनी है आधी है, आधी की कितनी दी है 3 गुना दिया हुआ है, जिसका परमाप कितना है 72 सेंटीमीटर है, किसका, इसका परमाप 72 सेंटीमीटर है। अब क्वेश्चन एक बार देख लेते हैं क्या दिया हुआ है, ठीक है, इसका परमाप कितना है 72 सेंटीमीटर, परमाप क्या होता है 4a = 72 a कितना दिया है 2x, 72 2 4 कितना होता है 8 में कितना हो गया 72, यानी कि कितना आ गया 9 आ गया, इसकी भैया 9 आ गई, जब ये इसकी चौड़ाई कितनी है 9, कितनी हो जाएगी 27। अब पहला ऑप्शन दे रखा है आपको डिस्प्ले सामने देखा होगा, पहला ऑप्शन आयत और वर्ग के दोनों परमाप समान है, 4 ऑप्शन दिए, आयत और वर्ग के दोनों परमाप समान है, चेक कर लो इसका परमाप क्या होगा 2l + b, 2 36 दूनी कितना हो गया 72, परमाप आ गया इसका, इसका परमाप था 72, मतलब ये बराबर आ रहा है, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन दिया है वो पढ़ने आ सकता नहीं, अब पहला सही हो गया तो है ना। अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन देखा है आपको डिस्प्ले सामने, वो देख लो फिर क्वेश्चन 57 कि क्या दिया हुआ क्वेश्चन है ना, अब डिस्प्ले सामने दे रखा है क्वेश्चन नंबर 57। अब इनमें से क्या सही नहीं है, उसने बोला है कि 2000, अब देखो पहला क्वेश्चन ऑप्शन देखा होगा 2005 ग्राम बराबर 2.005 किलोग्राम के, कौन सही नहीं है, ये तो सही है, ये तो सही है ना, ठीक है। इसके बाद में क्या रखा है कि किसी घनाप की घन का आयतन लंबाई 45 चौड़ाई इतना दिया है, उनकी भुजा इतनी है, घन का आयतन जिसकी लंबाई 45 15 और 40 बराबर है, घन के आयतन के भुजा 3 पॉइंट, भाई कैसे कैसे हो जाएगी, नहीं हो पाएगा बिल्कुल भी, ये तो सही है बिल्कुल भी, ठीक होगी भुजा ऐसी हो जाएगी 0.3 मीटर, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखा है, अब देखा 10 का 7 अंश कितना दिया है 0.1, इसका मतलब क्या होता है 7 अंश होता है 100, इससे कट गया तो 1 10 कितना हो गया 0.1, ये भी ठीक है। ऑप्शन नंबर चौथा बचा होगा जो कि आपको कहेगा 55 लीटर और 55 ml, 55 ml को लिखोगे 0.55, ये लिखोगे और इसमें क्या लिखा है इसमें लिखा हुआ है 55.55 और लीटर, जो कि ये क्या होगा गलत हो जाएगा है ना, ये ऑप्शन आपका आंसर ये सही होगा, आंसर आपका ये ठीक होगा है ना, आंसर ये आएगा क्योंकि ये विकल्प क्या है गलत रखा है, उसने पूछा निम्नलिखित में कौन सा गलत है, ठीक है। तो चलिए आपकी क्लास को यहीं फिनिश करते हैं, क्योंकि आपको पता है सारे क्वेश्चन हमने कराए हैं आपको, इस प्रकार नए नए क्वेश्चन जो एग्जाम प्रीवियस हो चुके हैं उनको क्वेश्चन कराएंगे, और नेक्स्ट क्लास आपको जो क्लासेज है 14 अप्रैल से स्टार्ट की गई है आपकी, और शाम को 5 बजे कितना शाम को 5 बजे आपको वीडियो मिल जाएगा करेगा डेली। तो उम्मीद करता हूँ सब बच्चों को क्लास पसंद आई होगी, यदि ये क्लास पसंद है वीडियो को लाइक करें, जो भी दोस्त हमारे चैनल पर आए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें चैनल को और बेल आइकन पर प्रेस कर लें जिससे हमारे चैनल नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता है, ठीक है दोस्तों, थैंक यू।